हाथ पर ये नया गेम है, डेडलाइंस, हम जियो न्यूज में बैठे हैं, इसलिए कुछ ना कुछ तो लाइंस देनी पड़ेगी। लाइन से याद आया वसीम भाई, कैसे हैं आजकल? ऑस्ट्रेलिया में फाल भाई, पहला कार्ड पड़ा आगे रख दिया आपने, पहला कार्ड पड़ा आगे रख दिया, जिसकी पहले हेजी छूट गई वो गेम जीत गया। फाल भाई पहली डेडलाइंस ये है कि बाबर आजम सारी रात पढ़ते हुए पाए गए, जब उनसे सुबह पूछा गया कि क्यों पढ़ रहे हो तो उन्होंने कहा कि सुबह टेस्ट है। अहमद अली भट्ट अपने फाउंटेन पेन से अपनी सफेद शलवार में नाड़ा डाल रहे थे कि इंक लीक हो और सफेद शलवार उनके करतूतों की तरह काली हो। पाकिस्तान के मरूफ गेम शो होस्ट नीपा के पुल के नीचे नशा करते पाए गए, जब पुलिस पकड़ने आई तो पुलिस को भी ऑफर दी, जब पुलिस ने मना किया तो कहता सोच लो। पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन जिनके मोजे बहुत मशहूर हैं कहते हैं कि मोजे में अंगूठे वाली जगह फटी होनी चाहिए, बिल्कुल मेरी पैंट की तरह, क्योंकि पैंट में दो सुराख होते हैं, हवा पास होती है, मोजे में भी होंगे तो हवा पास होगी। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा का नया वर्जन जारी कर दिया गया है, जो कि कुछ यूं है, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा बहन का ब्रेसलेट किसने तोड़ा? लाहौर के इलाके अनारकली में एक खातून जिसका नाम अनारकली है कहती हैं कि अनारकली को अंडरपास की सख्त जरूरत है। नाज़रीन, अभी अभी खबर आई है कि शायद अफरीदी ने रिटायरमेंट वापस ले ली है, वो कह रहे हैं कि मुल्क को मेरी जरूरत है और अब मैं रिटायरमेंट तभी लूंगा जब मेरी टांगे जवाब दे जाएंगी। शाहिद भाई की टांगे याद आ गई। नाज़रीन, अभी अभी खबर आई है कि शाहिद आफरीदी ने रिटायरमेंट ले ली है। है आपका भी? पहली बार दोनों चैनल एक ही न्यूज सुना रहे हैं। जी फाल भाई, मेरे ख्याल से मैं हंस पड़ा तो मैं हार गया। जी सर, ऑफ कोर्स।